जी रहा हूँ, कराची, लाहौर और क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में सर्विसेज मुतासिर होना शुरू हो गई है और एक टारगेट है कि वो टोटल पाकिस्तान के अंदर भी हो जाए। पिशावर में भी बंद होने शुरू हो चुकी हैं, सक्कर के मुख्तलिफ इलाकों में बंद हो चुकी हैं। इस तरीके से ही है सर्विस जो है वो मुअत्तल करना शुरू करी। अंदाजा लगा जी। तो यार कंप्यूटर का यूज नहीं है भाई साहब, पोलिंग स्टेशन वगैरह पे, या मैनुअल है सारी चीज? नहीं सर भाई, हमारे पास इतना नहीं है कि पोलिंग स्टेशनों पे कंप्यूटर प्रोवाइड किए जाए, लेकिन देखें मसला ये है कि ये कहना जो है वाकई बहुत एक अहम चीज है कि मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाए, लेकिन सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी के वाकयात में उसमें यही चीज इस्तेमाल होती है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात। सेफ्टी सेफ्टी के लिए बंद कर रहे हैं और इससे लोगों को जाने का खतरा है, तो व्हाई नॉट। और दूसरी बात ये कि रेंजर्स ऑफ पॉल डिप्लॉयड है, पुलिस डिप्लॉयड है पोलिंग स्टेशन और उसके अतराफ, और हिफाजत का इंतजाम है। देखिए अब हमें दुआ, जो एक साहब आके गए, दुआ ये करनी चाहिए कि ये पोलिंग का अमल और उसके बाद का अमल जो है ये पुरअमन तरीके से हो जाए पूरे पाकिस्तान में, नंबर वन बात। और दूसरी वो काशिफ जो कह रहे हैं उसमें काफी दम है उनकी बात में, जो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बताई, लेकिन वो फजल रहमान को उन्होंने 12 दिए, मैं फजल रहमान को 6 से 7 दे रहा हूँ बस। मैं ये देख रहा हूँ जो उसने अभी लास्ट अभी पिछले 2 हफ्तों में जो जोड़ तोड़ हुए है ना जी, मैं सिर्फ उस बेसिस पे ये कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, हो सकता है उसको 6 भी निकाल दे तो बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा नहीं है डायरेक्ट आजाद जो है वो काट देंगे उसके वोट। नहीं नहीं 6 से भी काशी जो 6 से 7 है ना उसमें से भी 4 या 5 जो है ना उनकी बलूचिस्तान से आएंगी, और 2 सिर्फ वो शायद 2 पेशावर ये KPK में शायद वो 2 से 3 जीत, बहुत मुश्किल बिल्कुल हो सकता है। आप सही कह रहे, फजल रहमान का तो बहुत शिकायत है, फजल रहमान को तो जी, फजल रहमान का जो एरिया है ना वो पूरा चमन जोक लोरालाई किला सकुल्ला ये पूरा इलाका उनके पास है, और एक बलोच बेल्ट भी उनके पास है जहाँ से वो जो है 4 सीटें निकाल सकते हैं पश्चिम वगैरह से। और जो पेशावर का हल्का जो था ना उनका, वहां पे वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए सीट निकालना, शायद अपने इलाके से वो निकाल ले, लेकिन मुझे लगता है वहां से PTI शायद जीत जाए, बिल्कुल आजाद वहां से आजाद आएंगे 100%। ये कि वो काफी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, काफी इन्फ्लुएंशियल एरिया है और वो पसंद नहीं करते। और अभी आपको पता है कि अभी अभी एक अभी एक धमा अभी जो प्रेशराइज करने के लिए एक अभी धमाका किया गया जी, पता जी 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 जी, यानी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली और जानों का नुकसान जो है वो फजल रहमान को हुआ है मुसलसल, पहले के धमाके में 50-60 अपराध उनके इलाकों में थे, ये 100 से ज्यादा चमन में। लेकिन इस पे अमेरिका ने भी इंटरवीन किया था, अगर आपको याद हो जो पिछला धमाका हुआ था उसपे भी अमेरिका ने इंटरवीन किया था, अभी भी स्टेट से बयान उनका जारी हुआ है, वो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर वो थ्रेट में है वो छोड़े कि वो फजल रहमान की अपनी पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन जो वहाँ की जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, जो इलाकाई पॉलिटिक्स है, उसमें बहुत उनको थ्रेड है, असल में ये बात बहुत कम यानी लोग समझेंगे जो आप बात करो ना, इलाकाई इंटरनल पॉलिटिक्स जो मुख्तलिफ मदारिस के दरमियान जो चकलीश चल रही है वो बड़े डिफिकल्ट है, वो बड़ा डिफरेंट और बड़ी डेंजरस है एक्चुअली। एक मिनट मैं आपको बात को आगे बढ़ा दूं, इसको इस नजर से भी देखें कि फजलुर रहमान को कुछ सीटों के साथ जितवाना जो है वो उनकी मुंह खुलवा देना है सदारती ओहदे के लिए, तो उनको एक महदूद हद तक रखने का भी ये मकसद भी है कि कल वो डिमांड ना कर सके कि मुझे अब सदर बनाने का वादा पूरा किया। देखिए एक और बात भी मैं ऐड करूं, अगर आपको याद हो कि 90s की काबीना में वो नवाब ज़ादे नसरुल्लाह खान होते थे, उनको कश्मीर कमेटी का सदर बना दिया जाता था, क्यों? क्योंकि उनकी एक सीट बड़ी खतरनाक होती थी, वो पूरी पूरी असेंबली डिसॉल्व करने के उनमें ये क्वालिटी थी, और फजल रहमान को भी इसी तरह से वो टैकल करते हैं कोई भी गवर्नमेंट होती है। असल में एक बात आप लोग भूल रहे हैं जी, कवर नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं भाई, नहीं मैं मुकाबला नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जिस तरह से उनकी पॉलिटिक्स होती थी, नहीं मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाए, लेकिन आपको ये पता था कि उनको हमेशा एक कोई भी जो गवर्नमेंट होती थी, जो एक्टिव गवर्नमेंट होती थी, वो अपने साथ हमेशा रखती थी कि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा अंसर मौजूद हो जो उनकी गवर्नमेंट के लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहे, और चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। नहीं
रुक जाए ना, जाफरी साहब को भी ले लूं जी। ये कर रहा हूं नवाबजादा में और फजल रहमान में कि नवाबजादा नसरुल्ला ने अगर सिर्फ कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनने पे अपने आप को राजी रखा, लेकिन उनकी कभी ख्वाहिश ये नहीं रही कि मैं सदर पाकिस्तान का ओहदा मुझे चाहिए जी। सर वो तो बन भी नहीं सकते थे, खैर होते थे उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी।